अल्लाह की मोहब्बत क्या होती है? हर लम्हा रब से बातें करने का शौक इंसान को बुरी आदत से दूर रखना सिखा देती है। ये होती है अल्लाह की मोहब्बत। तन्हा हो जाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए, फराइज से ही मुंह मोड़ लिया जाए, मगर अपने साथ साथ दूसरों को भी अल्लाह की राह पे जोड़े रखने वाला बनना सिखा देती है। ये होती है अल्लाह की मोहब्बत। जिंदगी की हकीकत से जब एक दफा सामना हो जाए तो फिर दुनिया के धोखे में ना आना सिखा देती है। ये होती है अल्लाह की मोहब्बत। गुनाहों की जिंदगी से निकलकर सिराते मुस्तकीम पर चलने की कोशिश में लगा देती है। ये होती है अल्लाह की मोहब्बत। जब सब दरवाजे बंद, सब साथ छोड़ जाएं, सब रवैये बेजार हो जाएं, मगर सबसे पहले रब की तरफ रुजू करने वाला बना देती है। ये होती है अल्लाह की मोहब्बत। हक मानना मुश्किल लगता है ना, पर दुआ तो हथियार है मोमिन का। दुआ मांगना सिखा देती है। ये होती है अल्लाह की मोहब्बत। फूल के बदले तो सभी फूल देते हैं, मगर नफरत के बदले प्यार और इखलाक देना सिखा देती है। ये होती है अल्लाह की मोहब्बत। नफ्स की ख्वाहिशात पर और शैतान की हाँ में हाँ मिलाने से रोक देती है। ये होती है अल्लाह की मोहब्बत। घुप अंधेरों में रब की रहमत से मायूस ना होना सिखा देती है। ये होती है अल्लाह की मोहब्बत। जुबान पर चाहे गिले शिकवे हजार हो, मगर खामोश होना, सब्र करना सिखा देती है। यही तो होती है अल्लाह की मोहब्बत। जख्मों से भरा हुआ होने के बावजूद दूसरों के लिए मरहम वाला बनना सिखा देती है। यही तो होती है अल्लाह की मोहब्बत।